हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने इस वर्दी वाले चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जैसे कि मध्य प्रदेश पुलिस फिजिकल आपका बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, इसी में जो है इसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है और कई बच्चों को तो यह भी पता नहीं है कि उन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस क्या भरा है। ठीक है, चलिए वो कोई बात नहीं, फर्स्ट प्रेफरेंस आप क्या भरे हैं वो तो अभी मैं बताऊंगा ही आपको। इसी के साथ साथ जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वहां भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारी जानकारी मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं उन सभी के लिए आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी जानकारी देने वाला हूं। प्लस ग्राउंड एनालिसिस तो मैंने आपको कल जबलपुर का बताया ही था, वहां पर बहुत अच्छी तरह से ग्राउंड का काम चल रहा है, बहुत जल्द ही हो ही जाएगा, लगभग लगभग पूरा हो चुका है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से मैं कल आप सभी के लिए बालाघाट के ग्राउंड का रिव्यू लेकर आने वाला हूं, 36वीं वाहिनी 20 बल बालाघाट। ठीक है, इस ग्राउंड का रिव्यू आपके लिए बहुत जल्द ही लेकर आने वाला हूं, तो चलिए वीडियो में बने रहना अंतिम तक। सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाह रहा हूं, जैसे अभी यहां पर एक पीडीएफ देखने मिलेगा आपको। ठीक है, यहां पर देखिए एक पेज देखने मिल रहा है, इस पर कुछ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को आवेदन पत्र जमा करने के चरण में अपनी प्राथमिकता निम्न पद संवर्गों के लिए दे सकेंगे। मेरिट अभ्यर्थियों द्वारा दी गई प्राथमिकता पदों की उपलब्धता तथा आवश्यकता के आधार पर पद संवर्गों को आवंटित किया जाएगा। मतलब मैं यह इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लड़कों का मेरे पास कमेंट आया कि सर बोले हमने यदि फर्स्ट में जिला बल भर दिया है तो क्या हमको जिला बल ही मिलेगा क्या? ऐसे नहीं मिल सकता, बिल्कुल मिल सकता है। यदि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस जिला बल रखा हुआ है, फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रखा है? जिला बल। लेकिन जिला बल रखे हैं लेकिन इसके लिए यदि आपके पर्याप्त नंबर नहीं है, मतलब 1, 2, 4 नंबर या आधा नंबर कम पड़ जाता है, तो आपको एसएफ में एसएफ की पोस्ट मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को आवेदन पत्र जमा करने के अपनी प्राथमिकता के आधार पर मेरिट द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी, पदों की उपलब्धता तथा आवश्यकता के आधार पर सीटों का आवंटन यहां पर किया जाएगा। ठीक है, तो आप इस भ्रम में मत रहना कि आपकी फर्स्ट चॉइस फिलिंग क्या बोलते हैं जिला बल है तो आपको जिला बल ही मिलेगी। ठीक है, यदि चाहिए आपको जिला बल तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा कि बाकी बच्चों से नंबर 1-2 नंबर ज्यादा खींचना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर उसी में आप चले जाएंगे। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है एसएफ और जिला बल, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से भी एसएफ को चुना हुआ है। मैं कल किसी दूसरे चैनल का कमेंट देख रहा था, उसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर हमने अपनी मर्जी से चुना है, अपने को पढ़ना है, ये है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, एक नंबर नौकरी है, शानदार नौकरी है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, इसके बाद में अगला एक बता दे रहा हूं, यहां पर फिर से एक फोटो दिख रही होगी आपको, इसके अंतर्गत कुल 8 पॉइंट दिए हुए हैं। इन 8 पॉइंट में बहुत सारे बच्चों ने यह गलती किया है कि यहां पर नो करना था लेकिन उन्होंने क्या कर दिया है, एस कर दिया है। क्या कर दिया है? एस कर दिया है। अब बताओ भैया, इसके नीचे जस्ट लिखा है कि इन 1 से लेकर के जो 8 पॉइंट आपके पास दिए हैं, इन 8 पॉइंट में यदि आपके पास कोई ना कोई प्रमाण पत्र है, चाहे अतिशेष कर्मचारी हो, चाहे निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी हो, चाहे एनसीसी के छात्र हो, चाहे युद्ध में बांग्लादेश और श्रीलंका म्यांमार युद्ध से आए हुए भारतीय नागरिक हो, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक हो, तो अगर इसका प्रमाण पत्र ही नहीं है आपके पास और आपने एस कर दिया है, उसमें एस कर दिया है, तो आपको कदापि फिजिकल देने नहीं आना है। ठीक है, क्योंकि आप सीधे होने वाले हैं कहां, आउट। आप कहां होने वाले हैं? आउट। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, चाहे धोखे से आपसे हुआ हो या कैफे वाले से हुआ हो या आपकी नादानी रही हो या कैफे वालों की गलतफहमी रही हो। ठीक है, तो यदि आपने ऐसा किया है तो आपको फिजिकल देने के लिए आने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आना है आपको, क्योंकि ऐसे ही आपको भगा दिया जाएगा, क्योंकि आपको इसमें अंक प्राप्त हो चुके हैं। जैसे मान लो कि आपके टोटल 70 नंबर है तो 70 का 5% कितना हो जाएगा, कितना, 5 कहां, कितना परसेंट, 5% एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, तो 3.5 नंबर के समथिंग जो है आपका यहाँ पर नंबर बढ़ गया होगा, यानी बढ़ करके आया होगा। ठीक है, तो इसीलिए 5% अंक आपको जब एक्स्ट्रा मिल रहा है तो इसमें आपको फिजिकल देने के लिए नहीं आना है। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात तो मैं बताता ही हूं, सभी लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकालिए और उसमें देखिए कि आपने अपना अपना प्रेफरेंस क्या भरकर रखा है। कई सारे बच्चों को प्रेफरेंस का पता नहीं है। यदि आपके डॉक्यूमेंट में मान लो एक्स वाई और ब्रेकेट में बी ए लिखा है, इसका मतलब एक्स कैटेगरी को रखा है रेडियो में, एक्स मतलब रेडियो में, वाई मतलब जीडी में, और जीडी में भी बी पहला प्रेफरेंस है, मतलब पहला डी ई एफ रखा है उस लड़के ने, और ए दूसरा प्रेफरेंस है, मतलब दूसरा एस ए एफ रखा है, मतलब इसने अपनी पूरी बचाव किया है। यदि इसके अच्छे नंबर होंगे तो रेडियो में हो जाएगा, उससे थोड़े कम नंबर होंगे तो इसको जिला बल मिलेगा, उसमें भी डी ई एफ मिलेगा, और उससे भी कम नंबर होंगे तो इसको एस ए एफ मिलेगा जीडी में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसने अपना प्रेफरेंस रखा है। अगर से मान लो आप रेडियो में ही फॉर्म भरे हैं और यदि आपने ऐसा कुछ भरा हुआ है वाई फिर एक्स फिर बी फिर ए, ठीक है, वाई फिर एक्स फिर बी फिर ए, तो इसमें क्या होगा, आपने रेडियो तो डाल रखा है लेकिन रेडियो से पहले प्रेफरेंस आपने किसको दे रखा है, रेडियो से पहले प्रेफरेंस आपने जीडी को दे रखा है, और जीडी में भी पहले प्रेफरेंस आपने किसे दे रखा है, डीईएफ को दे रखा है, उसके बाद एसएफ को दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए आपने, मान लो आप रेडियो के लिए नहीं भरे हो, आप ओनली और ओनली किसके लिए भरे हो, जीडी के लिए भरे हो। ठीक है, तो जीडी में आपका क्या होना चाहिए, एक तो वाई होना चाहिए और इसके साथ बी और ए होना चाहिए, तो बी और ए होगा, इसका मतलब आप पहले जिला बल को भरे हुए हैं और दूसरे नंबर पर आपने एसएफ को चुना हुआ है, और यदि आपके पास वाई तो है और इसके बाद ए बी भरा हुआ है, इसका मतलब आपने फर्स्ट प्रेफरेंस एसएफ को दिया है और सेकंड प्रेफरेंस जिला बल को दिया है। भले ही आपने चॉइस फिलिंग में जो डिस्ट्रिक्ट चॉइस किए हैं उसमें भले ही आपने जिला बल के डिस्ट्रिक्ट चुने हो, भले ही उसमें आपने जिला बल चुना हो, लेकिन आपको मिलेगी पहली सीट किसकी,
ऐसे आपकी, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप लोगों से गलती हुई है तो कोई बात नहीं, और गलती नहीं हुई है, यदि आप जानबूझ करके भी भरे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभी मेन मुद्दा है आप सभी का फिजिकल कितने का बन रहा है और फिजिकल कैसा बन रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है सारा निचोड़ कि आप अपना जो एप्लीकेशन है उसमें देख सकते हैं कि आपने कौन सा प्रेफरेंस भरा हुआ है। उम्मीद है कि आप सभी को यह बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, आ गई होगी बात समझ में, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बता दिया आपको। जिसके सामने एक्स वाई के बाद ए बी, या ए बी नहीं बी ए है, तो समझ लो पहले रेडियो, दूसरे नंबर पर जीडी, जीडी में भी कौन सा बी नंबर पहले, ये जीडी है, वाई मतलब जीडी, जीडी में भी बी नंबर पे जी लेवल और ए नंबर पर एसएफ। इस प्रकार से आप अपना कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं कि आपने फर्स्ट चॉइस फिलिंग में क्या रखा हुआ है। ये हो गई जानकारी, ये हो गई जानकारी आपके पोस्ट प्रेफरेंस की। अब बात है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट बात, आप सभी ने गलती कर दी किसके लिए, रोजगार पंजीयन के लिए, ठीक है, रोजगार पंजीयन के लिए। और रोजगार पंजीयन बहुत कम, मतलब 50% 50-60% बच्चों के पास पहले का जीवित रोजगार पंजीयन है। कब का है, पहले का जीवित रोजगार पंजीयन है, उसके बाद में नहीं है, ठीक है। मतलब जो पहले इस एमपी पुलिस से जस्ट पहले मान लो एफ एम का फॉर्म भरे थे, या मध्य प्रदेश में किसी एग्जाम का फॉर्म भरे थे, तो उनके पास लगभग लगभग रहा है, ठीक है। दूसरी बात बता रहा हूं, यदि अदर स्टेट वाले हैं जिनके पास में रोजगार पंजीयन नहीं है, ठीक है, रोजगार पंजीयन नहीं है, तो आप यूट्यूब पर सर्च करना कि मध्य प्रदेश का रोजगार पंजीयन कैसे बनाएं। क्या सर्च करना, मध्य प्रदेश का रोजगार पंजीयन कैसे बनाएं। मध्य प्रदेश का रोजगार पंजीयन बनाना है, तुरंत बनाना है, और अभी रोजगार पंजीयन लेकर के ही आपको फिजिकल देने के लिए आना है, ठीक है, ये बात समझ गए होंगे रोजगार पंजीयन वाले। दूसरे बात पूछ रहे थे, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले बोल रहे थे कि सर हमारे पास जिस टाइम हमने फॉर्म भरा उस टाइम ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं था, तो आपने गलती तो कर ली है कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं था, उसको छुपाओगे कैसे, ठीक है। उस टाइम यदि आप ईडब्ल्यूएस, तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि सर हमारा जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल से लेकर, कब से लेकर, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का टाइम रहता है, जो कि हर साल रिन्यू अपने को कराना पड़ता है, एटलीस्ट नया बनाना पड़ता है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। तो आप इस बात को बता सकते हैं कि हमने सर नया बनवा लिया, पुराना वाला खत्म, ठीक है। तो आप अभी का जीवित वाला लेकर के आ सकते हैं ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ईयरली चलता है, ठीक है। तो आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी लेकर के आना है। इसके बाद में अदर स्टेट वाले को जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, अदर स्टेट वाले को जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि अदर स्टेट वाले जो है यू आर या अनरिजर्व में काउंट हो रहे हैं, इसका मतलब आपको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलने वाला है, मतलब आरक्षण नहीं मिलने वाला है। जबकि ईडब्ल्यूएस वाले को भी आरक्षण है 10%, ठीक है। इसके अलावा ओबीसी को आरक्षण है 14%, इसके अलावा एसटी को आरक्षण है 20%, इसके अलावा एससी को आरक्षण है कितना, 14 और 20, 16% के समथिंग, ऐसे करके टोटल 50% है ना, ठीक है। एसटी एससी ओबीसी तीनों को आरक्षण है, और आपको आरक्षण है इसका मतलब आपको जाति प्रमाण पत्र जरूर लेकर के आना है, आपको जाति प्रमाण पत्र लेकर के आना है, ठीक है। तो ओबीसी एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस चार कैटेगरी ऐसे हैं जिनको जाति प्रमाण पत्र लेकर के आना है। अब मूल पहचान पत्र में स्पष्ट लिखा था आपके नोटिफिकेशन में कि आपको हस्ताक्षर वैसे ही करना है और फोटो वही लगानी है जो आपने अपने मूल दस्तावेज में एप्लीकेशन के समय लगाए हैं। ऐसा नहीं है कि आप दूसरी फोटो लेकर के आएंगे तो आपको भगा दिया जाएगा, बिल्कुल भी आपको भगाया नहीं जाएगा। लेकिन एक मिनट, बिल्कुल भी आपको भगाया नहीं जाएगा। यदि आपके पास फोटो है, यदि वही वाली फोटो है जो फोटो आपने अपने दस्तावेज में लगाए हुए हैं, यदि वही फोटो रही, तो जो अधिकारी होते हैं वो क्या काम करते हैं, तुरंत एक झटके में देख करके आगे बढ़ जाते हैं, एक झटके में फोटो देखे, हाँ ठीक है चलो आगे बढ़ो। लेकिन यदि आप किसी नए लुक में, उस टाइम दाढ़ी नहीं थी, इस टाइम दाढ़ी आ गई, उस टाइम रेड टी शर्ट में करवाई, इस टाइम ब्लू टी शर्ट में पहन के आ गए, तो वो थोड़ा सा मिलान करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको भगा दिया जाएगा, लेकिन चलेगा, लेकिन कोशिश करना कि अगर वही वाली फोटो रहे तो और ज्यादा अच्छा है आप सभी के लिए, ठीक है। फोटो के बाद में फोटो कॉपी की बात कर लूं मैं, किसकी फोटो कॉपी की। कई सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर कितनी सेट अपन ऐसे बनाएं जिसकी फोटो कॉपी अपने को लगने वाली है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है, मैं जिस टाइम गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने या फिजिकल देने के लिए, तो मैंने अपने जितने सारे डॉक्यूमेंट्स है उसके 10-10 पेज मैंने क्या करवा लिया था, प्रिंट करवा लिया था। कितने पेज, 10-10 पेज। भाई बैग में एक पेज रखो या 10 पेज, कोई ज्यादा एकदम ओवरलोड तो होने वाला है नहीं, अपना तो एक ही डॉक्यूमेंट फाइल रहता है, उसमें जितना ज्यादा लोडिंग करना है कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 10-10 पेज मैंने करके रखा था, तो इसमें अपने को 2-3 सेट यहां लग गए थे और 3-4-5 सेट उधर, मतलब जहां पर ज्वाइनिंग हुई थी वहां पर लग गया था। तो इस प्रकार से उसका और भी अभी आगे चल के कई जगह पर आपको जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। इसीलिए आप 10-10 पेज करा लेना हर एक चीज का, जितने डॉक्यूमेंट है आपके पास, ठीक है, सभी का 10-10 पेज करा लेना, चाहे 10th का करवाओ, ठीक है, 12th का करा लेना, जाति का करा लेना, मूल निवासी का करा लेना, ठीक है, इसके अलावा आधार का करा लेना, ठीक है, आधार, पैन कार्ड का करा लेना, ठीक है, ये जो मुख्य मुख्य जितने डॉक्यूमेंट्स है सभी के आपको अच्छा ज्यादा संख्या में जो है क्या करवा लेना है, फोटो कॉपी करवा करके अपने पास रख लेना है, ठीक है। और भी आपको बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, काफी जिले के बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी मेरे को कमेंट कर रखा है, मैं धीरे धीरे डाटा इकट्ठा कर रहा हूं,
8 से 10 जिलों का डाटा मेरे पास इकट्ठा हो चुका है, जिसमें बता रहे हैं कि सर हमारे जिले में इतने बच्चे दौड़ रहे हैं और उनका फिजिकल इतना है। तो मैं एक पूरा चार्ट वाइज आपको बहुत जल्दी वह वीडियो बताने वाला हूं। लेकिन अब समस्या वो नहीं है कि आपको वीडियो देख करके इंस्पायर होना है, समस्या वो है कि आपको अब वीडियो देख करके ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि इसके कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि अब बहुत जल्दी पता चलने वाला है कि कौन कितना गहरे पानी में है। ठीक है, क्योंकि काफी समय मिल गया, मुझे लगता है मध्य प्रदेश पुलिस के इतिहास में आपका फर्स्ट बैच ऐसा होगा जिसे 9 महीने का या 10 महीने का समय मिला है रनिंग करने के लिए। इसके लिए फिजिकल के लिए बच्चे फिजिकल कर करके पूरे बोर हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि क्या ना हो जाए। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि आपका नंबर वाला फिजिकल था, आपके लिए टाइम देना भी बहुत महत्वपूर्ण था, आपको बढ़िया टाइम भी मिला है और उस टाइम का बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है भरपूर उपयोग भी करे हुए हैं और डेफिनेटली उनका फिजिकल में स्कोर अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो आप अपने नंबर के आधार पर अपना 100% कोशिश करिए कि फिजिकल में आप कितने नंबर और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको आपके चॉइस फिलिंग के समय काम आ जाएगा। यही जो मैंने बताया, एक दो नंबर के लिए यदि आपको पसंद है कि मुझे जिला बल पसंद है फिर भी एसएफ मिल गया, या मुझे एसएफ पसंद है फिर भी जिला बल मिल गया, इस टाइप से जिसको रेडियो पसंद है रेडियो नहीं मिली जिला बल वगैरह। ठीक है, हाँ, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारा रेडियो और जीडी, ठीक है, यानी एक्स और वाई कैटेगरी दोनों में है, तो सर क्या हमको सिर्फ 800 मीटर दौड़ा के भगा देंगे क्या? 800 मीटर दौड़ाएंगे और भगा देंगे क्या? ऐसा नहीं होगा भाई मेरे, आपको तीनों इवेंट में मौका मिलेगा। कितने इवेंट में? तीनों इवेंट में मौका मिलेगा। और आपने फर्स्ट प्रेफरेंस रेडियो डाला है, यदि आपको रेडियो में जाने लायक आपके नंबर है, मान लो रेडियो का कटाप ओबीसी का 135 कटाप गया है और आपके नंबर 136 है, तो 100% आपका रेडियो में ही चयन हो जाएगा। लेकिन अगर से इसमें चयन नहीं होते, 137 पे कटाप चली गई, ठीक है, आपके नंबर तो 136 है, तो फिर आपको कहां भेजा जाएगा? जिला वाले यानी जीडी के लिए। किसके लिए भेजा जाएगा? जीडी के लिए। अब आप जीडी में जाएंगे तो जीडी के लिए आपको अच्छा खासा नंबर चाहिए, तो वो नंबर कहां से मिलेंगे? जब फिजिकल में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, तो फिजिकल में आपको रनिंग प्लस वही शॉर्ट पुट प्लस लॉन्ग जंप तीनों इवेंट में अच्छे से अच्छा नंबर लाना है, तब आपका जो रेडियो का स्कोर है वो घट जाएगा। केवल जो फर्स्ट पेपर दिए थे उसका मार्क जुड़ेगा और प्लस में इसका फिजिकल का मार्क जुड़ेगा और आप फिर कहां काउंट हो जाओगे? इनके साथ, मतलब जनरल ड्यूटी यानी जीडी वालों के साथ में काउंट हो जाओगे। और आपके नंबर बढ़िया रहा तो जिला वाल, थोड़ा कम रहा तो ऐसे आप उससे भी कम रहा तो सीधे आउट ऑफ कवरेज हो जाएंगे। चलिए, बहुत सारी चीजें बताने का है, मेरे पास काफी सारे कमेंट है, मैं कमेंट ध्यान भी नहीं आता है जिस टाइम वीडियो बनाता हूं। ठीक है, तो कुछ कुछ जो ध्यान में आते रहता है मैं बताते रहता हूं, जैसे अभी कोई अचानक से ध्यान आ गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आपको बहुत जल्दी मैं ग्राउंड का भी एनालिसिस दिखाने वाला हूं। अच्छे से अपनी तैयारी में लगे रहना, डाइट पे बेहतरीन ध्यान देना। अभी थोड़े दिनों के लिए अगर थोड़े बहुत नशा पानी करते हो, कुछ गुटखा वगैरह आपको शौक है पर्सनल, तो उसको थोड़े दिन के लिए बंद कर देना। फिजिकल देने जाने से एक दिन पहले फुल रेस्ट करना है, हो सके तो दो दिन पहले भी रेस्ट करना। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि दो दिन नहीं दौड़ूंगा तो कहीं मैं प्रैक्टिस तो नहीं भूल जाऊंगा अपने दौड़ने की, ऐसी घबराहट सी होती मुझे खुद लग रहा था। ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं है, यदि आप एक से दो दिन का रेस्ट लेने के बाद तीसरे दिन ग्राउंड में उतरेंगे, वो भी ऐसे ग्राउंड में उतरेंगे जहां पर एक बेहतरीन शानदार ट्रैक बना हुआ है आपके लिए। अभी तक आपने जो भी प्रैक्टिस की है सब ऐसे ही कहीं यहां से वहां खोद लिए, लॉन्ग जंप कर रहे हैं, वहां से वहां चूने की लाइन डाल दिए, गोला फेंक रहे हैं, ठीक है, कैसे ही ग्राउंड में दौड़ रहे हैं, ना कोई नाप जोक ना कोई माप तोल कुछ नहीं। लेकिन आप जिस ग्राउंड में फिजिकल देने जाएंगे ना, वहां आपको बेहतरीन शानदार चूने की लाइन पड़ी हुई रहेगी, बाउंड्री वॉल लगी हुई रहेगी, खंभे पोल गड़े हुए रहेंगे बांस के, उसमें ऐसे कुछ फीति टाइप का सब बंधा हुआ रहेगा ताकि आप उससे अंदर ना पाए। ठीक है, बहुत सारे लड़के कट मार देते हैं अंदर अंदर में पैर रख के। ठीक है, इसके अलावा आपका जो एकदम शानदार ट्रैक होने वाला है लॉन्ग जंप का, एकदम शानदार ट्रैक होने वाला है किसका? गोला फेंका। ट्रैक देख के आपका एक एक फीट तो ऐसे ही बढ़ जाएगा पल्ले। ठीक है, मैं खुद बता रहा हूं, ट्रैक देख करके आपकी रनिंग की टाइमिंग और कम हो जाएगी। जैसे 2:24 में आ रही तो 2:20, 2:18, 2:17 हो जाएगी, 100% बता रहा हूं। जैसे आपका गोला 20 जा रहा है तो 21 जाने लग जाएगा, यानी वहां का माहौल अलग रहता है, वहां का एनर्जी अलग रहता है, वहां का पावर अलग रहता है, सब कुछ। ठीक है, और कोशिश करना कि आप निकर में दौड़ो और कोशिश करना कि शूज पहन के दौड़ो। हाँ, लॉन्ग जंप में आप रिस्क ले सकते हैं। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? अगर से मान लो आप शूज पहन के नहीं दौड़े तो 400-800 मीटर की दौड़ में आपके पैर में गिट्टी लग जाए, दर्द उठ जाए, तो उसके बाद फिर लॉन्ग जंप करोगे कैसे? ठीक है, तुरंत में फिर दिमाग गर्म हो जाएगा वहीं की वहीं। ठीक है, इतना मेहनत करने के बाद, इसीलिए भले 2-4 सेकंड आगे पीछे, लेकिन जूते पहनकर ही दौड़ना है आप सभी को। चलिए, धन्यवाद। आगे के वीडियो में आपको और भी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। वीडियो कैसी लगी है एक बार चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने मित्रों के साथ में हो सके तो शेयर कर देना। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम।